फ्रेंड्स आई एम योर मैथ्स फैकल्टी फ्राम यूएलएस अकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नोइंगस लेट्स फॉर टुडे इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू कम्पेयर द नंबर्स और हमने सीखा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ टेन थाउजेंड हम आज लार्ज नंबर्स पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स क्या होते हैं कैसे बनते हैं ठीक है और उनका यूज़ क्या होता है हम जानते हैं कि टू डिजिट नंबर 99 सबसे बड़ा होता है मतलब टू डिजिट के जितने भी नंबर हैं उसमें 99 सबसे बड़ा होता है अगर हम उसमें वन ऐड कर दें तो क्या होगा तो सबसे छोटा थ्री डिजिट नंबर बन जाएगा सिमिलरली अगर हम सिंगल डिजिट में सबसे बड़ा होता है नाइन हम नाइन में वन प्लस कर दें तो क्या होता है सबसे छोटा टू डिजिट नंबर बन जाता है और अगर हम 999 जो सबसे छोटा थ्री डिजिट नंबर है उसमें वन प्लस कर दें तो क्या होता है तो थाउजेंड बनता है जो सबसे छोटा फोर डिजिट नंबर है कुछ पैटर्न समझ आया जब हम छोटे टू डिजिट नंबर पे वन प्लस करेंगे तो वो थ्री डिजिट हो जाएगा ऐसे ही टू में थ्री वन में टू और फोर में फाइव अब हम आते हैं फोर में फाइव पे मतलब नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन में जब हम वन प्लस करेंगे तो वो सबसे छोटा फाइव डिजिट नंबर बनेगा इस फाइव डिजिट नंबर को हम टेन थाउजेंड कहते हैं टेन थाउजेंड आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे बहुत इजी है जैसे थाउजेंड था वैसे ही टेन थाउजेंड है नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन पर वन प्लस करके बना है और कैसे बन सकता है अगर हम थाउजेंड में टेन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी टेन थाउजेंड बनेगा ठीक है अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा रिवाइज़ करते हैं कि प्लेसेस क्या होती थी अगर याद हो तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक्सपेंशन ऑफ नंबर क्या होता है तो एक बार रिवाइज़ करते हैं फिफ्टी फ़ोर टू डिजिट नंबर है इसका एक्सपेंशन कैसे होता है फिफ्टी प्लस फोर फिफ्टी कैसे लिखते हैं हम फाइव इंटू टेन प्लस फोर हो गया फिफ्टी फोर और टू हंड्रेड एंड थर्टी एट टू हंड्रेड प्लस थर्टी प्लस एट तो टू इंटू हंड्रेड प्लस थ्री इंटू टेन प्लस एट ये हमने एक्सपेंशन सीखा था अब क्योंकि हम टेन थाउजेंड भी सीख चुके हैं अभी मैंने बताया टेन थाउजेंड क्या है टेन थाउजेंड सबसे छोटा फाइव डिजिट नंबर है तो हम बड़े बड़े नंबर्स मतलब टेन थाउजेंड वाले नंबर्स को भी एक्सपैंड कर सकते हैं एक एग्जांपल, ठीक है फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो इसमें क्या करेंगे हम फोर इंटू टेन थाउजेंड प्लस फाइव इंटू थाउजेंड प्लस थ्री इंटू हंड्रेड प्लस वन इंटू टेन प्लस टू ईजी है अब देखो इसमें मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है जो टू है ना वो वन प्लेस पे है और जो वन है वो टेन्स प्लेस पे है थ्री जो है वो हंड्रेड प्लेस पे है और फाइव थाउजेंड और फोर टेन थाउजेंड समझ गए ना प्लेसेस क्या होती है याद आ गया वापस इसको हम नेम कैसे करेंगे इसको हम बहुत इजीली नेम कर सकते हैं फोटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व ठीक है अब चलिए और बड़े नंबर पर आती हूँ टेन थाउजेंड के बाद कौन सा बड़ा नंबर है मैं बताती हूँ टेन थाउजेंड के बाद इंडियन सिस्टम में वन लाख सबसे बड़ा नंबर है वन लाख वन लाख कैसे बना जैसे टेन थाउजेंड बना था जब हमने 99,999 में वन प्लस किया मतलब हमने सबसे बड़े फाइव डिजिट नंबर में वन प्लस किया तो हमें सबसे छोटा सिक्स डिजिट नंबर मिला सबसे छोटा सिक्स डिजिट नंबर जो कि है वन लाख ठीक है ओके वन लाख सीख लिया मतलब हम अब सिक्स डिजिट नंबर्स को भी एक्सपैंड कर सकते हैं अब आते हैं और लार्ज नंबर्स पे हम इतने बड़े बड़े नंबर सीख रहे हैं आगे मैं इनके एप्लीकेशन बताऊँगी ठीक है पर इनको याद रखना क्योंकि ये बहुत यूज़ होते हैं अब हम आते हैं और बड़े नंबर्स पे, और बड़े नंबर्स जैसे कि टेन लाख और वन करोड़ टेन लाख क्या होता है टेन लाख सबसे छोटा सेवन डिजिट नंबर होता है मतलब सबसे बड़े सिक्स डिजिट नंबर में वन प्लस करके जो नंबर बनाए वो टेन लाख होता है इसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं इसमें सिक्स ज़ीरोज़ होते हैं एक वन और सिक्स ज़ीरो ठीक है इसे बोलते हैं हम टेन लाख और वन करोड़ क्या होता है वन करोड़ सबसे छोटा एट डिजिट नंबर होता है उसमें सेवन जीरोज़ होते हैं वन और सेवन ज़ीरोज़ आगे जाके मैं इन्हें लिखना सिखाऊंगी। कभी अगर आपने देखा होगा तो इनके बीच में कॉमास लगते हैं मैं सिखाऊंगी कि कैसे लिखते हैं इन्हें अब हम बढ़ते हैं कि हम ये पढ़ते क्यों हैं क्यों हमें इतने बड़े बड़े नंबर्स पढ़ने पड़ते हैं कभी अपनी क्लासरूम देखा है अपने जो क्लास होती है जिसमें अपन पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे होते हैं थर्टी फोर्टी फिफ्टी मतलब टू डिजिट बच्चे मतलब टू डिजिट में पॉपुलेशन होती है ठीक है पर अगर हम पूरे स्कूल का देखें हम पूरे स्कूल में कितने बच्चे होते हैं सोचे तो वो या तो थ्री डिजिट या फोर डिजिट होता है यू नो थाउजेंड टू थाउजेंड इतने कुछ बच्चे तो होते ही हैं मोस्टली स्कूलों में और अगर हम और भी बड़े स्केल पे देखें हम अपनी पूरी सिटी को देखें या और भी बड़ा हम अपनी पूरी स्टेट को देखें हम अपनी पूरी कंट्री को देखें तो क्या डिफरेंस आएगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की उसको हमें बोलना रिप्रेजेंट करना तो आना चाहिए ना तो लार्ज नंबर्स हमें आने चाहिए ठीक है अब मैं इनको लिखना सिखाती हूँ कि लार्ज नंबर्स को लिखते कैसे हैं यू नो हम बस सिंबल बना के बोल दें वो तो आसान है पर बोलेंगे कैसे हमें आना भी तो चाहिए और जब लिखेंगे हम किसी को बताएंगे कि कितना है तो हमें बताते तो आना चाहिए कितना लिखो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे एक शून्य 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 नाम भी तो होना चाहिए तो ठीक है अब मैं बताती हूँ लिखते कैसे हैं आप यहाँ देखोगे अगर तो एक टैब टेबल बना हुआ आएगा एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम जिससे हमें सीखना आसान हो जाएगा सीखना आसान क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े होते हैं बहुत ब्रॉड होते हैं उनको एक्सपैंड करके याद नहीं रहता कि किसको कैसे लिखते थे तो हम टेबल से सीखेंगे पहले हम टेबल में जो जिस प्लेस पे है उस प्लेस में लिखेंगे रो वाइज और उसके बाद आखिरी में एक्सपैंडड वर्जन एक्सपैंडड वर्जन से हमें नाम देना आसान हो जाएगा ठीक है आपको यहाँ समझ आ रहा है कि कैसे नाम दिया है यहाँ पे सेवन लाख थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री का एग्ज़ाम्पल दिया है ठीक है उसका नेम हमने लिख दिया है और अभी मैंने बोल के बताया सेवन लाख थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोटी थ्री ठीक है अब ये मैंने बीच बीच में कॉमास क्यों लगाए हैं ऐसा क्यों है कि हर दो तीन नंबर के बाद एक एक कॉमा आ रहा है कॉमा हमें बोलने में और लिखने में आसानी देता है मुझे पता कैसे चलेगा कि हंड्रेड के, के बाद थाउजेंड है और लाख कब है मुझे कॉमा रिप्रेजेंट करने में मदद करेगा ठीक है कॉमा हमें रीडिंग एंड राइटिंग में हेल्प करता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूम्रेशन कंसिस्ट ऑफ वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स एंड मिलियंस सो फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर हंड्रेड सेकेंड कम्स आफ्टर हंड्रेड थाउजेंड एंड थर्ड कम्स आफ्टर हंड्रेड मिलियन सो एज वी एक्सप्रेसड फाइव करोड़ एट लाख वन थाउजेंड Five hundred and ninety-two in Indian system, it will become fifty million eight hundred and one thousand five hundred and ninety-two in international system. The first comma marks thousand, and the next comma marks millions. For example, the number fifty million eight hundred and one thousand five hundred and ninety-two is read in the international system as fifty million eight hundred and one thousand. 592 number was 50801592 the same number in indian system it is 5 crore 8 lakh 1592 so what do we get how many lakhs make a million well 10 lakhs make 1 million how many millions make a crore well 10 million make a crore take three large numbers Express them in both Indian and international numeration system. Interesting fact: to express numbers larger than million, a billion is used. International system numeration consists of one billion is equals to one thousand million. So, in Indian system, ten crore fifty-six lakh twenty-one thousand and five hundred will become hundred and five million six hundred and twenty-one thousand. फाइव हंड्रेड ठीक है अब हम लार्ज नंबर्स के प्रैक्टिस देखते हैं कि हमने क्यों इनको सीखा मतलब ये यूज़ कैसे आते हैं सबसे बड़ा यूज़ आता है मेजरमेंट में ठीक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ मेजरमेंट ऑफ वेट ठीक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके यूनिट्स जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे इसके यूनिट कन्वर्जन आपको बहुत मतलब सालों पूरी जिंदगी यूज आएगा ये ऐसा मैथ्स है जो टोटली totally एप्लीकेटिव है तो अच्छे से याद रखना ठीक है एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर mm होते हैं और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं अब आपको कन्वर्ट करना सिखाऊं मैं एक मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1000 मिलीमीटर mm भी तो होंगे क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर mm था ठीक है ऐसे ही हम और बड़ी यूनिट पाते हैं जो कि है किलोमीटर यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट है किलोमीटर किलोमीटर में एक किलोमीटर में हज़ार मीटर होता है मतलब थाउजेंड मीटर्स आप समझ रहे हो थाउजेंड मीटर्स मतलब वन लाख सेंटीमीटर और मतलब टेन लाख मिली ओके ये थी लेंथ की मेजरमेंट लेंथ में हम मीटर यूज़ करते हैं सिमिलरली वेट में हम ग्राम यूज़ करते हैं ग्राम जो मीडियोकर लिमिट है उससे बड़ी होती है किलोग्राम और उससे छोटी होती है मिलीग्राम ये हम वेट में यूज़ करते हैं इसका कन्वर्जन भी सिमिलर है ठीक है वन किलोग्राम इज इक्वल्स टू थाउजेंड ग्राम और वन ग्राम इज इक्वल्स टू थाउजेंड मिली ग्राम मतलब किलो सबसे बड़ा है और मिली सबसे छोटा है सिमिलरली अगर हमें पानी नापना है पानी कैसे नापते हैं दूध कैसे नापते हैं दूध हम ग्राम में नहीं नापते हैं हम लीटर्स में नापते हैं ठीक है तो लिक्विड के लिए सॉल्यूशंस के लिए हम लीटर्स यूज़ करते हैं जैसे किलोग्राम हमें आटे की बोरी अगर नापनी होती है तो हम किलोग्राम यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि वो ज़्यादा है बहुत है और अगर हमें सिर्फ बाहर से सब्जी लानी है तो वो हम ग्राम्स में लाते हैं क्योंकि हम कितनी लाते हैं एक बार की दो बार की लाते हैं फिर अगर हमें कोई बहुत छोटी सी टाइनी सी चीज़ नापनी है चांदी का हल्का सा टुकड़ा तो वो हम मिली में नापते हैं ठीक है अब आते हैं हम लिक्विड जो मैंने अभी बताया कि लिक्विड जो है जितने भी लिक्विड्स हैं वो लीटर में मेजर होते हैं लीटर हम मोस्टली दो यूनिट यूज़ करते हैं एक लीटर एक मिली लीटर. ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं आज के कंक्लूजन पे हमारा कंक्लूजन क्या है हमने आज क्या क्या पढ़ा हमने लार्ज नंबर्स पढ़े जैसे कि टेन थाउजेंड वन लाख टेन लाख एंड अ करोड़ सो टू कंक्लूड दिस लेसन टुडे वी लर्न अबाउट टेन थाउजेंड वन लाख And larger numbers like 10 lakhs and crores. We also learned the practice of these large numbers. Hope you enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.